नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। लखनऊ में जीपीओ पार्क में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित की है। साथ ही बापू की फोटो पर उन्होंने माल्यार्पण किया है। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। जयंती है, ऐसे अवसर पर प्रदेशवासियों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वसुदेव बापू ने जो सत्य अहिंसा का मार्ग भारतवासियों को दिखाया था, पूरी दुनिया आज उसका अनुसरण कर रही है। और बापू सिर्फ भारतवर्ष के नहीं, दुनिया में उनका एक विचारधारा स्थापित हुई है। और वसुदेव बापू का जो स्वच्छता मिशन था उसको धरातल पर उतारने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कल से हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं और जन सामान्य को जोड़ने में हम सब सफल हुए। खादी भी पहुंचे, खादी, हाँ, अभी हम लोग खादी भंडार में आए हुए हैं और यहाँ हम सब कार्यकर्ता मिलकर के कुछ न कुछ खादी वस्त्रों की खरीदारी आज करेंगे। सीएमएस कानपुर रोड ऑडिटोरियम में गांधी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया है। उसके पश्चात कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। समारोह में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया गया। बता दें कि इस खास समारोह में सीएमएस संस्थापक जगदीश गांधी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता के अहिंसा, एकता, त्याग और समता के विचारों की शिक्षा बच्चों को बाल्यावस्था से देने की बहुत आवश्यकता है। आज सभी कार्यक्रम गांधी पार्लियामेंट की जरूरत है। गांधी जी ने कहा था आई विल नॉट चलूंगा से। देवरिया हत्याकांड मामले में अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। जांच में जो भी बात सामने आएगी उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी को हर मामले में राजनीति करने की आदत है। हमारी सरकार में कानून व्यवस्था मजबूत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाइन ऑर्डर को लेकर हमेशा कड़ा रवैया अपनाया है। उत्तर प्रदेश की जनता को यह भरोसा है कि योगी राज में एक सुरक्षित माहौल है। अधिकारी पहुंचे हैं और जो भी फॉर्मल डेवलपमेंट होगा आप सबको उससे अवगत कराया जाएगा। समाजवादी पार्टी घेर रही है कि कानून व्यवस्था इस तरीके की है, पुलिस पैसे लेकर एफआईआर कर रही है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी हर बात में राजनीति करना उसकी पुरानी आदत है। आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ऑर्डर को हमने मजबूत करने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा सख्त और कड़ा रवैया लॉ एंड ऑर्डर के लिए अपनाया है और उत्तर प्रदेश के आम जन को भी आज भरोसा है कि उत्तर प्रदेश में आज योगी राज में एक सुरक्षित माहौल है। पति ने पत्नी को ईंट से मारकर मौत के घाट उतार दिया है। आरोपी पति ने देर रात इस घटना को अंजाम दिया। बता दें कि मृतक पत्नी अपने भाई और बहन के साथ थाना बीकेटी के कोटवा में किराए के मकान में रहती थी और मृतक पत्नी अपने पति से अलग रह रही थी और दहेज को लेकर पति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। वहीं आरोपी पति का नाम सोनू अवस्थी बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई जा रही है। इसी क्रम में अमरोहा नगर के रहने वाले चित्रकार जोहैब खान ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन यात्रा को चित्र बनाकर दर्शाया। साथ ही कहा कि यदि इंसान की सोच अच्छी है तो हर इंसान महात्मा बन सकता है। बताते चले कि चित्रकार जोहैब खान समय समय पर महापुरुषों के चित्र बनाते रहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के शहर अमरोहा में रहता हूँ। मैं एक चित्रकार हूँ और समय समय पर कोयले से दीवारों पर चित्र बनाता हूँ। मैंने 2 अक्टूबर के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी जी की जीवन यात्रा को दर्शाया है। 60 फीट का एक चित्र बनाया है जिसमें उनके बचपन से लेकर और वृद्धावस्था तक का चित्र बनाया है।
और मैं ये संदेश देना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि व्यक्ति अगर अपने व्यक्तित्व में निखार करे तो वो एक साधारण व्यक्ति से लेकर महात्मा तक भी बन सकता है। अमरोहा जिले में डेंगू बुखार से मौत का सिलसिला लगातार जारी है। यहां बाईपास रोड पर निजी नर्सिंग होम में डेंगू बुखार से पीड़ित एक मरीज की मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। वहीं परिवार के लोग डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लापरवाह डॉक्टर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अनजान बनते नजर आ रहे हैं। मकान हवा मकान में रात 3 बजे बुखार आया, सुबह लेके इन्हें अमरोहा आए एक निजी अस्पताल में। यह है हमारा इंडियन हेल्थ केयर सेंटर, वहाँ लेके गए, उसने एडमिट करा। एडमिट करने के बाद आधे घंटे बाद इनके चीटियाँ चलने लगी। डॉक्टर को बोला उसने कहा इसको हार्ट सेंटर ले जाओ। यहाँ से हम यहाँ से पहले क्या 10 मिनट में पहुंचे, उन्होंने मृतक घोषित कर दिया। इसमें हैवी डोज भी है, इसी ने मारा है। बिल्कुल ठीक से, कोई दिक्कत नहीं थी। बाइक पे आए हैं, कोई ये नहीं 10 दिन से 4 दिन से 5 दिन से बुखार था। आज रात 3 बजे से बुखार आया, सुबह लेके आए हैं, 2 घंटे में ट्रीटमेंट किया, 2 घंटे में मार दिया। एडमिट कराया था आपने इनको आज? अच्छा, अब मकान हवा से मकान में भी आए हैं। क्या हुआ था इनको? बुखार आदत हुआ। अच्छा, डॉक्टर ने कोई ट्रीटमेंट दिया था इनको? डॉक्टर ने कोई ट्रीटमेंट दिया था इनको? मुझे पता नहीं, मैं तो बैठी हूँ। कौन है आपकी? चाबी आपने है, आपने करो चाबी को। एडमिट कराया था आपने इनको आज? अच्छा, अब मकान हवा से मकान में भी ना आए। क्या हुआ था इनको? आदत हुआ है। चाबी आपने है। हमीरपुर में पूर्व डीएम चंद्रभूषण त्रिपाठी का डैम प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, जिसमें लगभग 12 लाख की कीमत से बना तिरंगा पार्क क्षतिग्रस्त है, जिसमें बड़ी धांधली की गई है। कई महीनों से झंडा पार्क की बदहाली से नगरपालिका ईओ अनजान बना रहा। वहीं खबर संज्ञान में आते ही संबंधित ठेकेदार को पुनः कायाकल्प कराने के निर्देश दिए गए। जमनापुर में 8 महीने पहले एक झंडा लगा हुआ था, जो कि नगर पालिका द्वारा लगाया गया था। कई बार झंडा भी फट चुका था, दोबारा चेंज किया गया था। और इस समय प्रेजेंट टाइम में ना तो पत्थर भी उखड़ गए हैं और पूरी जो टाइल सेट लगी थी पूरी कई लाखों रुपए की लागत द्वारा इसका निर्माण और जो इसका प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था, इस समय उसमें कुछ दिन मिट्टी भर दिखाई दे रही है उसमें। और कई बार मैंने एप्लीकेशन भी दी थी, एप्लीकेशन देने के बाद भी अभी तक उसका निर्माण पूरी तरीके से हुआ नहीं। भारी बारिश के कारण वहाँ पर दशान हो गई थी, इसलिए उसको ड्रेनेज को निकाल कर दोबारा सर। ये 10 महीने में ये उखड़ गया सब, करीब कितने बजट से बना हुआ था? ये लगभग 11 से 12 लाख के बजट से बना हुआ था। आज तक उस विभाग के इंजीनियर है, उसके बावजूद इंजीनियरिंग इतने फेल होती दिख रही है 9 महीने के अंदर, इसके लिए कौन जिम्मेदार? एक्चुअली में मिट्टी ज्यादा थी, मिट्टी का सेटलमेंट ढंग से हो नहीं पाया था, बरसात के बाद ही सेटलमेंट ठीक से हो पाता। यहाँ पे मिट्टी की धसान हो गई बारिश में, जिसमें से यहाँ पे ग्रेनाइट और जो टाइल्स लगी थी वो गले हो गई। उसको संबंधित ठेकेदार को बोल दिया गया है, तो उन्होंने उसको हटा के और फिर से फिलिंग करा के दोबारा उसकी मरम्मत कर ली। जैसा कि बताया गया था, ये डीएम साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उसके बाद ये 8-9 महीने में अगर टूट जाता है तो इसलिए कौन जिम्मेदार है? अब इसके लिए कहा नहीं हो सकता, नेचुरल कम्युनिटी है और मिट्टी की धसान होने की वजह से इस वजह से हो गया है। हमारे संज्ञान में भी आया है कि मैं उसको तत्काल करवाता हूँ व्यवस्था, लेकिन जो भी जिम्मेदार होगा उसकी कार्रवाई की जाएगी। कितना बजट था सर एक घंटे का? उसमें लगभग 11 से 12 लाख रुपये का था। केंद्र और प्रदेश सरकार हर घर को कई योजनाओं के तहत विद्युत कनेक्शन देकर अंधेरा दूर करने का प्रयास कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में विद्युत विभाग की लापरवाही के चलते आज भी मुख्यालय का एक गरीब परिवार बिजली जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है, जिससे गरीब परिवार के बच्चे दीपक के उजाले में अपनी किस्मत लिखते नजर आ रहे हैं। सरकार गरीब परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना चलाकर सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का प्रयास कर रही है। बीपीएल परिवारों के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाता है।
एपीएल यानी गरीबी रेखा से ऊपर परिवार भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार भले ही गरीबों के लिए योजनाओं का लाभ देने का वादा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। हम अंधेरे में रहते हैं, बच्चों भी अंधेरे में रहते हैं, दिलाड़ी जला जला के रहते हैं, मतलब सांप भी रहते हैं हमें घर में, हम भगाते हैं। एक देर हमें घर में फिरती थी खपरन पे, तो दो कनेक्शन बगल में है तो इसलिए हमारा कनेक्शन नहीं हो रहे हैं। हम दो देर कनेक्शन पे कोशिश भी की है, फिर भी नगर पालिका वाले नहीं कनेक्शन दे रहे हमको, कह रहे हैं बगल में कनेक्शन इसलिए हम तुम्हें कनेक्शन नहीं देंगे। तो कह रहा है ना लाइन भी तुम्हारी दूरी है, मतलब कनेक्शन नहीं मिलेगा। हमारा कनेक्शन नहीं हो रहा है, हम दिलारी जलाकर शाम के पढ़ते हैं और अगल बगल दो कनेक्शन है, तो इस वजह से हमारा कनेक्शन नहीं हो रहा है। क्या कहते हैं बिजली विभाग वाले? बिजली विभाग वाले कहते हैं कि अगल बगल में दो लोग का कनेक्शन है, तुम्हारी दूरी पर जाती है, तो इस वजह से हमारे कनेक्शन नहीं है। अभी इससे बन गई है, जिस हिसाब से बात हुई है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए कि उसको सॉर्ट आउट करके कनेक्शन दिया था। कितनी लापरवाही मानी जा रही है? देखिए लापरवाही तो ऐसा है कि अब इसमें जो शासन की जो मंशा चल रही है, हम लोगों का ये प्लान है कि हम जो छोटे छोटे कंज्यूमर जो कटिया डाल के चोरी कर रहे हैं उनको हम मुंह महरा मिलाएं, उनकी FIR ना करें, उसको प्रेरित करें कि वो अपना कनेक्शन ले लें। कक्षा चार में पढ़ते दो राम दूरी भाग गए, पापा ने कनेक्शन नहीं हो रहा है। तो कैसे पढ़ाई कैसे करते हो आप लोग? दिया जला के। क्या कहते हैं बिजली विभाग में जो कनेक्शन दिए पापा दो बार गए? कहते हैं दो लोग के यहाँ बिजली तो दूर पड़ जाता है, नहीं लग पाएगी आप लाइन। हमीरपुर के सरीला विकासखंड के ग्राम भयास में सड़क निर्माण का काम शुरू है, लेकिन सड़क निर्माण के काम में मजदूरों की हक छीनकर जेसीबी के सहायता से काम कराया जा रहा है, जिसके कारण मजदूरों का हक मारा जा रहा है। बता दें कि प्रधान और सचिव की मिलीभगत से इस काम को अंजाम दिया जा रहा है, जिसके कारण ग्रामीणों में रोष है। वहीं सरीला ब्लॉक के जयघर गांव में इस तरह की धांधली चल रही है। मैनपुरी में अस्पताल की लापरवाही से मरीज की मौत के बाद कानपुर के स्वास्थ्य विभाग भी अब एक्शन मोड में आ गया है। शहर में बिना पंजीकरण चल रहे सैकड़ों अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। ये जगह तो नर्सिंग होम के लाइसेंस पर कई अस्पताल संचालित किए जा रहे हैं। नर्सिंग होम देखभाल के लिए होता है, जबकि अस्पताल में ऑपरेशन से लेकर आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध होती है और दोनों का पंजीकरण भी अलग होता है। कानपुर में दर्जनों ऐसे अस्पताल चल रहे हैं जिनके पास लाइसेंस तो नर्सिंग होम का है, लेकिन वो अस्पताल चला रहे हैं। कुछ दिनों पहले भी कुछ अस्पतालों को बिना पंजीकरण चलाने पर नोटिस जारी किया गया था। अब देखना यह होगा कि सीएमओ की चेतावनी कितनी काम आती है और फर्जी अस्पतालों पर कब तक रोक लगती है। जो भी इस तरह के अगर कोई नई प्रतिष्ठान चल रहे हैं तो ये पूर्णतः अवैध है, अगर हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं है और इसके बारे में जब भी जानकारी मिलती है किसी भी माध्यम से तो उसमें हम नियम सम्मत कार्रवाई भी करते हैं, जिसमें कि नोटिस के बाद पुलिस को इंटीमेट करना या सील कराना भी शामिल होता है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे जो भी प्रतिष्ठान है जो अवैध रूप से चल रहे हैं, जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो लोग अपने ये कार्य बंद कर दें और ना इस संबंध में नियम सम्मत कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। हमारे दो हॉस्पिटल हैं उनके खिलाफ तो इंक्वायरी चल रही है, समिति गठित कर दी गई है, तीन सदस्यीय जो है दोनों के अंगेश में, और बाकी उसमें जो दो हॉस्पिटल और थे जो ऑलरेडी हमारे यहाँ से रिजेक्टेड हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ था तो वो हमारे यहाँ रिजेक्टेड हैं। अगर चलते हुए पाए जाते हैं और तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और इसमें हम अपने जो क्षेत्रीय पुलिस है उसका भी सहयोग लेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ललितपुर में वानिकी नववर्ष कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ उप प्रभागीय वनाधिकारी ने किया। आयोजन में स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को वानिकी संबंधित कार्यों के बारे में बताया गया। कार्यशाला में
पौधशाला की तैयारी, पौधशाला की साफ सफाई, विन्यास के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों को बताया गया कि किस तरह पौधशाला में वर्मी कंपोस्ट तैयार की जाती है। वहीं कार्यशाला में सभी कार्यों का प्रदर्शन किया गया। वन्य जीवों की फोटो की गैलरी लगाकर बच्चों को जानकारी दी गई। गोरखपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 154वीं जयंती मनाई गई, जिसमें सीएम योगी ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। आइए आपको सीधा लिए चलते हैं। देवरे जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया गया। पूरी घटना रुद्रपुर थाना क्षेत्र के निकट फतेहपुर गांव की है, जहां एक ही परिवार के 6 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि जमीनी विवाद के चलते वारदात को अंजाम दिया गया है। सोमवार सुबह घर के बाहर ही परिवार के सभी लोगों की गोली मारकर हत्या की गई। वारदात के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घटना को लेकर छानबीन कर रही है। वहीं घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। वहीं सत्यप्रकाश दुबे का पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव से जमीन विवाद से सत्यप्रकाश दुबे के घर जिला पंचायत सदस्य बात करने गए थे, जहां विवाद होने पर प्रेम यादव की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। तो देवरिया से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर जमीन विवाद के चलते गोली मारकर 6 लोगों की हत्या कर दी गई है। वारदात के बाद से ही गांव में हड़कंप मच गया है। जमीन विवाद को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और मामले के आगे जांच में जुट गई है। तो तस्वीरें देख सकते हैं, देवरिया की तस्वीर है, जहां पर जमीन विवाद में एक ही परिवार के लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया है। 6 लोगों की हत्या कर दी गई है और इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और अब आगे पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और गोरखपुर में लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। गोरखपुर में पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की और प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। तो वहीं गोरखपुर में महात्मा गांधी की 154वीं जयंती पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने चरखा चलाया। आपको सीधे लिए चलते हैं। पावन जयंती पर पूज्य बापू को नमन कर रहा है। इस अवसर पर पूरी दुनिया को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले
लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन करते हुए बड़ी से बड़ी ताकत को झुकाया जा सकता है। भारत की आजादी के आंदोलन में पूज्य बापू ने पूरे देशवासियों को अहिंसा का जो मार्ग दिखाया था वह लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और उसी का परिणाम था कि स्वदेशी, सत्य और अहिंसा का पालन कैसे उन अंग्रेजों को भी देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जिनके बारे में कहा जाता था कि अंग्रेजों के बारे में कि उनके राज में कभी सूर्य अस्त नहीं होता, लेकिन भारत की आजादी के आंदोलन ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ी इस लड़ाई ने यह साबित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में बापू के प्रति नमन और श्रद्धांजलि स्वरूप सभी ग्राम पंचायतों में, सभी नगर निकायों में स्वच्छांजलि का एक कार्यक्रम विशेष रूप से आयोजित चल रहा है। हम सब जानते हैं बापू को जहां स्वदेशी, स्वावलंबन और सत्य और अहिंसा का मार्ग सबसे अच्छा मार्ग उन्होंने बता करके लोगों को इसके प्रति आग्रही बनाया। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।